नरेंद्र मोदी का 7 घंटा यहाँ पर, जिस पर पूरे विश्व के निगाहें टिकी हुई हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड में रहे, उसके बाद सीधा रुख यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ किया। तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पीएम मोदी यूक्रेन के एवी फोमिन बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। और इस प्रतिमा को महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर 2020 में दरअसल स्थापित किया गया था। जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। और जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात, जिस पर वैश्विक तौर से नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव में, जहां इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, जहां नमन उन्होंने बापू की प्रतिमा को किया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा को किया है। दरअसल यूक्रेन के एवी फोमिन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की ये कांस्य प्रतिमा है, जिन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जो प्रतिमा इस वक्त आप महात्मा गांधी की देख रहे हैं, दरअसल 2020 में से बहुत ही श्रद्धा के साथ में अहिंसा के प्रतीक के तौर पर, आदर्शों के तौर पर स्थापित किया गया था। और वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा, उसके बाद सीधे कीव की तरफ ट्रेन से सफ़र करना, उस विशेष ट्रेन से जिसमें करीब 10 घंटे का ये वक्त लगा। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवी फोमिन बोटानिकल गार्डन, जहां महात्मा गांधी की ये कांस्य प्रतिमा मौजूद है, जिसे साल 2020 में महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर स्थापित किया गया था। हालांकि इसके बाद भी जो ये 7 घंटे हम कह रहे हैं, जिसमें से एक एक मिनट बेहद खास है, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की, वो जानते हैं कि एक एक मिनट जिस पर वैश्विक तौर पर भी नजरें हैं, और यहां से महासंदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर भी आएंगे। और ये संदेश शांति का है, अमन का है, आपसी सहयोग का है, संतुलन का है, उस संतुलन को साधने की कोशिश है जहां पर महायुद्ध हो रहा है। देखिए नेटो देशों के प्रतिनिधियों ने तो यहां पर जरूर दौरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक भी है और वर्तमान में भविष्य की बहुत बड़ी कोशिश भी है।